सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सादे कपड़े पे पेंटेज डालना सिखाऊंगा। ये हमने बॉक्स बनाया है पूरे कपड़े पे, ठीक है। और इसके स्लेट में हमने ये लूप्स लगाए और ऊपर हमने इसका चौड़ा कॉलर दिया, ठीक है। और इस लूप्स में आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, वैसे आजकल ये लूप्स लग रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और इसकी जो चौक दामन में हमने फिनिशिंग दी है सेम की, ठीक है। और इसकी स्लीव्स में मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा डिज़ाइन वाली। चले आए देखते हैं किस तरह तैयार किया है हमने। ये हमारे पास सादा फैब्रिक है, ठीक है। ये हमारे पास ढाई गज है, ढाई गज कपड़ा है हमारे पास। इस पूरे कपड़े पे हमें पेंटेक्स डालना है, चकोटियां बनानी है, ठीक है। इसका दामन हमारा 22 इंच तैयार होगा, तो हम इसके दामन के हिसाब से निकाल लेंगे ताकि हमारा हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। ज़्यादा चौड़ा कपड़ा ये, घेर इसका ज़्यादा है अर्ज, ठीक है। 22 इंच हमारा दामन तैयार है तो हम इसे 27 इंच काट लेंगे, ठीक है। लिया, ठीक है। अब हम इसकी बैक फ्रंट की लंबाई भी अलग अलग कर देंगे और आस्तीन अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा कपड़ा संभालना मशीन में मुश्किल हो जाता है। हमारी कमीज की लंबाई 35 इंच तैयार है, ठीक है। ये 35 इंच हमारी लंबाई तैयार है तो हम इसे तकरीबन 43 इंच काट लेंगे। और बैग का भी इतना ही हम काट लेंगे। हमने बैग भी काट ली, ठीक है। हम इसके बॉक्स के निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया, छोटा निशान, ठीक है। इसके बाद हम 3 इंच के गैप से निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह हम 3 इंच के गैप से निशान लगाएंगे। सारे निशान हम इसी तरह लगा लेंगे। इसी तरह हम सारे निशान लगा के पेंटेक्स डाल लेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसे निशान को इस तरह पकड़ लेंगे और यहाँ पे लपकी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसे यहाँ पे भी लपकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने 3 पेंटेक्स डाले हैं इस पर, ठीक है। और जब मैं इसकी सिलाई लगा रहा था मैंने कपड़े को यूं खींचा नहीं है, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल रखा था, ठीक है। ये देखिए इसी तरह हम पूरे कपड़े पे पेंटेक्स डाल लेंगे, बैक में भी फ्रंट में भी। ये देखिए मैंने पेंटेक्स डाल दिए एक साइड के, ठीक है। अब हम दूसरी साइड के पेंटेक्स डालेंगे। देखिए पेंटेक्स इस साइड पे डले हैं हमारे, सीधा साइड हमारा ये है। तो अब हम इसे यहाँ से इस तरह ये लपकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। फिर 3 इंच के गैप से हम दूसरी लपकी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने इसे मोड़ा है, ठीक है। तो हमारी ये जो सिलाई आ रही है ये इस सिलाई के साथ मिलनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह आगे पीछे ना हो, ठीक है।
इस तरह ना हो, इस तरह सिलाई हमारी मिलनी चाहिए तो हमारे बॉक्स बनेंगे पूरे, ठीक है। अगर इस तरह टेढ़ी हो जाएगी, ये सिलाई आउट हो जाएगी, देखिए ये यहाँ पे आ रही है और ये नीचे की साइड आ रही है, तो इस तरह हमारे बॉक्स आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये एक सिलाई मैंने लगा ली, ठीक है। अब हम इसे दूसरी सिलाई को इस तरह 3 इंच के गैप नाप लेंगे, ठीक है। इस तरह हमें ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर हम साफ से पूरे कपड़े पे अगर निशान लगाएंगे तो हमारे कपड़े पे निशान आ जाएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको पहले जो सिलाई लगाई थी, मैंने सिर्फ आपको अंदाज़ा दिया था कि 3 निशान लगा के आपको अंदाज़ा दिया था कि इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। पूरे कपड़े पे हम निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे कपड़े पे पूरे पूरे निशान हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरह 3 इंच के गैप नाप के यहाँ से अब सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी इसी तरह हम नाप लेंगे। अगर हमें यहाँ से 3 इंच का करना पड़ा थोड़ा सा आगे पीछे, तो हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली, ठीक है। पूरे कपड़े पे हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने पेंटेक्स डाल दिए इस पर, ठीक है। दूसरी साइड के भी ये बॉक्स तैयार हो गए हमारे, ठीक है। बैक फ्रंट हमारा इसी तरह तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसे इस तरह डबल कर लेंगे हम, और फ्रंट को भी इसी के ऊपर हम सेट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बैक पे फ्रंट को बिछा लिया, ठीक है। अब हम निशान लगा लेंगे इससे, यहाँ से हम सीधा कर लेंगे इससे पहले, और यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे इसमें। यहाँ से हम आर्म होल इसका रखेंगे 7 इंच, ये स्मॉल साइज बना रहे हैं। वेस्ट रखेंगे 15 इंच पे और हिप्स 20 इंच पे, ठीक है। तो सीधे कर लेंगे हम इसके निशान। निशान सीधे कर लिए हमने, ठीक है। और इसकी लंबाई हमारी 35 इंच तैयार है, हम 36 इंच पे इसका निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। इसका शोल्डर रखेंगे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और चेस्ट का निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे। वेस्ट का निशान 7.5 इंच पे, और हिप्स का निशान 9.5 इंच पे, ठीक है। और दामन हम इसका 22 इंच पे रखेंगे, तकरीबन 11 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसका निशान लगा लेंगे सीधा, ठीक है। और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा डाउन कर देंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से हम निशान से निशान मिला लेंगे चेस्ट का और वेस्ट का, और यहाँ से वेस्ट और हिप्स का निशान मिला लेंगे। यहाँ से हम दामन तक का निशान मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे यहाँ से। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। यहां से हम बराबर कटिंग करेंगे दोनों को।
और यहाँ दामन से भी हम इसे कटिंग कर देंगे निशान पे। ठीक है, ये कटिंग हो गई हमारी। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने ये बुकरम की पट्टी काटी हुई है। ठीक है, इसे हम यहाँ से 16 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसे बिल्कुल बारीक सा काट देंगे। इस तरह ठीक है, ये देखिए मैंने बारीक से बुकरम काट दिया इसका, और यहाँ से हम इसे 1.25 इंच पे तकरीबन काट देंगे। ये देखिए मैंने काट दिया ये। हम इसे कपड़े पे चिपका लेंगे। इस तरह हम इसे चिपका लेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप देंगे हम। ठीक है, ये देखिए मैंने चिपका लिया इसे। ठीक है, अब हम इसे इस तरह मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली इस पे। ठीक है, अब हम इसे फ्रंट पर रख लेंगे। यहाँ ऊपर से भी सेंटर से रख लेंगे हम इसे, और नीचे भी। ठीक है, यहाँ से हम बीच में से काट लेंगे यहाँ तक दोनों को। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर ली दोनों की। अब हम इसके लूप्स तैयार कर लेंगे। ये मैंने पट्टी काटी हुई है 1 इंच चौड़ी, और रेप में काटी हुई है मैंने। ठीक है, इसे इस तरह डबल करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे तकरीबन इतने गैप से। ठीक है, इतने गैप से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट लेंगे हम। ये देखिए मैंने ये पलट लिया। ठीक है, तो हम इसे 2-2 इंच के काट लेंगे। इसी तरह हम ये सारे लूप्स काट लेंगे। ये देखिए मैंने काट दिए सारे। ठीक है, इसे हम फ्रंट पे लगा लेंगे। ये देखिए हमने काटा था सेंटर से अपना, इसे यहाँ से हम इसे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसे लूप्स लगा लेंगे इस तरह, आधे आधे इंच के गैप से हम लूप्स लगाएंगे यहाँ नीचे तक, यहाँ तक जहाँ से हमने काटा हुआ है। ये देखिए मैंने लूप्स लगा लिए इसके। ठीक है, जहाँ तक कट लगा हुआ है यहीं तक मैंने लूप्स लगाए इसके। इस पट्टी को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह। ये जो कट है यहीं तक हम इसे लगाएंगे इस नोक को, और इस तरह हम इसे सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बुकरम के बराबर में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली इसकी। ठीक है, तो हम इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने सीधा कर लिया इसे। अब हम इसकी नीचे की पट्टी तैयार कर लेंगे। यहाँ से हम इसे यहाँ तक 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 8.5 इंच से नीचे हम इसे पट्टी से बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमने पट्टी काटी हुई 2.5 इंच चौड़ी, इसे इस तरह डबल करके यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा के इस तरह यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, फिर इसे सीधा कर लेंगे। ये
ये देखिए हम सिलाई लगा के मैंने सीधा कर लिया इसे, ठीक है। अब इसे हम फ्रंट पे लगाएंगे। यहाँ से हम इसे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इस तरह हम इसे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस पट्टी को इस तरह हम इसे सीट नीचे सेट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इस साइड पे सिलाई लगाएंगे। अगर हम इस साइड पे पहले सिलाई लगाएंगे तो हमें ये वाली सिलाई लगाने में परेशानी हो जाएगी। यहाँ पे हम इसे लपकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह लगाते हुए फिर यहाँ पे हम यहाँ पे पक्का कर देंगे इस निशान पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली दोनों साइड पे, ठीक है। तो हम इसे इस तरह डबल करके ये निशान लगाए हुए हमने, फिर यहाँ से इस तरह शेप दे देंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पे हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे बैक के साथ जोड़ लेंगे। ये हमारी बैक है और इस फ्रंट को इस तरह हम बिछा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इस साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। साइडें भी हम इस अभी बंद कर देंगे इसकी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे इस साइड पे और इस साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी इसकी और इस साइड पे भी सिलाई लगा दी और मैंने साइडों पे भी सिलाई लगा दी, ठीक है। अब हम इसका ये नाप लेंगे अलग, ये कितना कॉलर चढ़ेगा हमारा। ये देखिए 17 इंच का कॉलर चढ़ेगा हमारा इसमें, ठीक है। ये हमारी बुकरम है, हम इसे इस तरह नापेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे इसका 3 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसे तकरीबन 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे यहाँ से इस तरह शेप दे देंगे। यहाँ से हम इसे काट लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच चौड़ा कलर लगाएंगे हम। इस निशान पे हम इसे काट लेंगे। यहां से इसे हम इस तरह थोड़ा सा आड़ा कर देंगे, ठीक है। ये कॉलर कट गया हमारा। अब इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। मैंने कपड़े पे चिपका लिया कॉलर, ठीक है। अब हम इसे इस तरह करके डबल करके यहां से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाएंगे, इस साइड पे भी यहां पे सिलाई रोक देंगे, ठीक है। फिर हम इसे चारों तरफ से 1/2 इंच के गैप से काट लेंगे, 1/2 इंच के गैप का कपड़ा छोड़ के, ठीक है। चारों तरफ से हम कपड़ा काट लेंगे, फिर इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने कॉलर सीधा कर लिया, वो इसका सेंटर कर लेंगे कॉलर का,
यहाँ पे कट लगा लेंगे, ठीक है। और हम इससे एक कमीज पे भी सेंटर करके कट लगा लेंगे बैक का। ठीक है, हम कॉलर लगा लेंगे। इस तरह हम इसे रख लेंगे, ये कट से कट मिला लेंगे हम। ठीक है, इस तरह हम इसे सिलाई लगाते आ जाएंगे, यहाँ पे लाकर पक्का कर देंगे। ये देखिए मैंने कॉलर लगा लिया, कॉलर लगाने के बाद मैंने इसे तुरपाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसके दामन में इसके फिनिशिंग देंगे। इस तरह हम दोनों चौक के सिलाई मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी मिला लेंगे हम, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि हमारे चारों चौक्स बराबर आए। ठीक है, ये कट लगा लिए मैंने, अब हम इसके पहले दामन में फिनिशिंग देंगे। ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ से 1/2 इंच मोड़ूंगा मैं, यहाँ पे कट से मिला दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे और दूसरे दामन में भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी पे लपकी सिलाई लगा दी। ठीक है, हम इसे उल्टा कर लेंगे, इस तरह मोड़ के हम इसे यहाँ पे लपकी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, पूरे दामन में। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी इसकी, और इसके चौक्स में सिलाई लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे फिनिशिंग। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है, से यहाँ से इस तरह मोड़ेंगे और इस साइड से इस तरह मोड़ लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है चौक्स की, इससे 1/2 इंच ऊपर रखेंगे हम इस तरह। ठीक है, इस तरह हम इसे पूरी चौक्स में सेट कर लेंगे और यहाँ पे लपकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने चौक्स में पट्टी लगा दी, यहाँ पे लपकी सिलाई लगा दी। ठीक है, चारों चौक्स में मैंने इसी तरह पट्टी लगा ली। अब हम इसे इस तरह उल्टा करके, ये जो कच्चा है हमारा, इसे इस तरह अंदर करके और यहाँ से भी मोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह हम इसे मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई लगाते हुए हम दूसरी चौक की तरफ भी इसी तरह, यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे यहाँ पे सुई रोक के फिर हम दूसरी चौक की तरफ इसी तरह चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ चारों चौक हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी को मोड़ के यहाँ पे लपकी सिलाई लगा ली। ठीक है, और इसी तरह मैं दूसरे चौक पे ले गया सिलाई को। ठीक है, चारों चौक मैंने तैयार कर लिए और यहाँ पे मैंने टांके लगा लिए तुरपाई। ठीक है, इस जगह मैंने टांके लगा लिए, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। हमारी शर्ट सीधी हो गई।